30 अक्टूबर 1984 का वो दिन था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक चुनावी सभा को संबोधन कर रही थी। अगले साल चुनाव थे और उस सभा में इंदिरा गांधी ने भाषण दिया और कहा कि आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। अपनी आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दे दिया गया था। उसके बाद इंदिरा को अंदेशा हो चुका था कि अब मेरी हत्या कर दी जाएगी। इस भाषण के 27 घंटे बाद एक खबर आती है अगली शाम। वो खबर तो इंदिरा गांधी की थी पर इंदिरा गांधी खुद नहीं थी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई होती है इनके सुरक्षाकर्मी भाई बेंत सिंह और सतवंत सिंह की ओर से। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे उड़ते हुए बाज को देखने के बाद इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान तैयार किया गया। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। आगे चलकर भी हम सिख हिस्ट्री के जो रिलेटेड वीडियोज हैं वो अपलोड करते रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है इनके सुरक्षाकर्मी भाई सतवंत सिंह और भाई बेंत सिंह की ओर से। भाई बेंत सिंह की मौत मौका वारदात पर ही हो चुकी थी और भाई सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस हत्या के दोषी दो और लोगों को बनाया जाता है। एक का नाम था भाई किहिर सिंह जो कि बेंत सिंह के रिश्तेदार थे और एक थे बलवीर सिंह, और तीनों पर मुकदमा चलाया जाता है। पुलिस की चार्जशीट ये बताती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले भाई बेंत सिंह धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आता है। वो सिख धर्म की ओर आकर्षित होने लगते हैं और वो एक दिन अपने अंकल किहिर सिंह के साथ मोतीबाग गुरुद्वारा साहब में जाते हैं और भाई बेंत सिंह कथा को सुनते हुए भावुक हो जाते हैं। तो उनके अंकल किहिर सिंह बेंत सिंह को कहते हैं कि रो मत, बदला लै। तो उस दिन भाई बेंत सिंह के मन में इंदिरा गांधी को मारने का ख्याल आता है। पहले ये जो प्लान था वो दो लोगों के बीच में ही था, भाई बेंत सिंह और उनके अंकल उनके रिश्तेदार भाई किहिर सिंह के बीच। तो अब बात करते हैं भाई बलवीर सिंह के बारे में जिनको इंदिरा गांधी की हत्या में दोषी बनाया जाता है। सितंबर 1984 को भाई बलवीर सिंह इस प्लान का हिस्सा बनते हैं, वो भी इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ही तैनात थे। भाई बेंत सिंह और भाई बलवीर सिंह के बीच पंजाब के मुद्दों पर, पंजाब के ऊपर चर्चा हुआ करती थी। सितंबर तक इंदिरा गांधी को मारने का कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया था। सितंबर महीने का पहला हफ्ता था सितंबर 1984। बलवीर सिंह को एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है और वो बाज इंदिरा गांधी के आवास में लगे एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। इस बाज को देखने के बाद भाई बलवीर सिंह भाई बेंत सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, गुरु का संदेश आ चुका है, क्योंकि बाज को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज से जोड़कर देखा जाता है, तो अब इंदिरा गांधी को मारना ही होगा। 14 अक्टूबर 1984 को बेंत सिंह कुर्ता पजामा पहनकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने रिश्तेदार किहिर सिंह के पास जाते हैं और दोनों गुरुद्वारा मोतीबाग साहब में जाते हैं। उसके बाद वो दोनों आर के पुरम सेक्टर सी में स्थित गुरुद्वारा साहब जाते हैं। वहाँ पर भाई बेंत सिंह अमृत छकते हैं, क्योंकि बेंत सिंह पहले कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे और इस बात का प्रायश्चित करने के लिए वो वहाँ पर झाड़ू भी लगाते हैं। और कुछ टाइम बाद वो शीशगंज गुरुद्वारा साहब में अपनी पत्नी बिमल कौर को भी अमृत छका देते हैं भाई बेंत सिंह। तो अब बात करते हैं भाई सतवंत सिंह इस प्लान का हिस्सा कैसे बनते हैं। तो ये बात है 17 अक्टूबर की। उस दिन भाई बेंत सिंह टॉयलेट रूम में अपनी पगड़ी बांध रहे होते हैं और उनके पास भाई सतवंत सिंह आते हैं। बेंत सिंह उनको कहते हैं कि पंजाब में माहौल अच्छा नहीं है, लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो चुके हैं, सिस्टम के खिलाफ हो चुके हैं और वो इंदिरा गांधी को मारना चाहते हैं और इंदिरा गांधी ही इस सब के लिए जिम्मेवार है, तो हमें इंदिरा गांधी को मारना होगा। तो भाई सतवंत सिंह मान जाते हैं। उसके बाद सतवंत सिंह, बेंत सिंह और किहिर सिंह की अक्सर मुलाकात होने लगती है। बेंत सिंह की पत्नी का नाम था बिमल कौर, जिनका प्रेम विवाह हुआ था। उनकी पत्नी बिमल कौर बताती है कि 17 अक्टूबर की रात बेंत सिंह और भाई किहिर सिंह उनके घर की छत पर थे, वो इंदिरा गांधी को मारने की बात कर रहे थे और जब वो पहुंची तो उसके बाद वो चुप कर गए। तो कुछ समय बाद सतवंत सिंह भी उनके घर आते हैं और उसी रात वो बैठकर खाना भी खाते हैं। 20 अक्टूबर वाले दिन भाई बेंत सिंह अपने परिवार के साथ और भाई किहिर सिंह के साथ हरिमंदर साहब मत्था टेकने के लिए आते हैं। 21 अक्टूबर को वो अकाल तख्त साहब में मत्था टेकते हैं और भाई सतवंत सिंह ने भी मत्था टेकने के लिए आना था पर किसी कारण वो नहीं आ पाए।
और भाई बेअंत सिंह को लगता है कि कहीं सतवंत सिंह टाइम पर आकर साथ ना छोड़ दें और वो दिल्ली वापस जाकर उनसे एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। हत्या से एक दिन पहले बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपनी ड्यूटी भी चेंज करवाई थी। सतवंत सिंह ने अपनी ड्यूटी की अदला बदली कांस्टेबल किशन के साथ की थी। भाई सतवंत सिंह ने किशन सिंह को कहा कि तुम्हारी जो ड्यूटी है वो टॉयलेट के पास है और मेरे पेट में खराबी है, इसलिए तुम मेरे साथ अपनी ड्यूटी की अदला बदली कर लो। और भाई बेअंत सिंह ने भी अपनी ड्यूटी रात, उनकी ड्यूटी पहले रात की थी और उन्होंने सुबह की ड्यूटी करवाई। और जब 31 अक्टूबर वाले दिन इंदिरा गांधी आई तो बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ इंदिरा गांधी पर वार किया, इंदिरा गांधी पर गोली चलाई और इंदिरा गांधी नीचे गिर पड़ी। पर सतवंत सिंह ने अपनी गोली नहीं चलाई थी तो बेअंत सिंह उन पर चीखते हैं कि गोली चलाओ। उसके बाद भाई सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से इंदिरा गांधी पर वार करने लगते हैं, गोली चलाने लगते हैं। और तभी सब इंस्पेक्टर रमेश्वर दयाल इंदिरा गांधी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भाई सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक कार्रवाई का मुंह जो सब इंस्पेक्टर की ओर मोड़ देते हैं और अपनी जो सारी कार्रवाई है वो सब इंस्पेक्टर और इंदिरा गांधी पर खाली कर देते हैं। भाई बेअंत सिंह की मौत मौका वारदात पर ही हो चुकी थी और भाई सतवंत सिंह को तभी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो दूसरे लोगों को दोषी बनाया जाता है भाई केर सिंह और बलवीर सिंह को, इनको घटना के 3 दिन बाद गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की चार्जशीट में कहा जाता है कि बलवीर सिंह की जेब में एक पेपर मिला है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट तारीखें लिखी हुई थी और कुछ फेल्ट लाइक किलिंग जैसे शब्द भी लिखे हुए थे। उसके बाद ये मामला जाता है सेशन कोर्ट में। तीनों को, भाई सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलवीर सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। हाई कोर्ट में ये सज़ा बरकरार रहती है पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला पलट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कैसे कोई व्यक्ति एक साजिश के पेपर को 1 महीने अपनी जेब में रखकर घूम सकता है और वो भी तब जब वो खुद पुलिस वाला था। कोर्ट ने कहा कि बलवीर सिंह को अगले दिन गिरफ्तार किया गया और उसके बाद गैर कानूनी तरीके से 33 दिन लगातार हिरासत में रखा गया। उसके बाद भाई बलवीर सिंह को रिहा कर दिया जाता है पर केहर सिंह और सतवंत सिंह की जो फांसी की सज़ा है वो बरकरार रहती है। भाई केहर सिंह और सतवंत सिंह की जो फांसी की सज़ा है वो कई बार टलती भी है। दिसंबर 1988 में वकीलों के तर्कों की वजह से ब्लैक वारंट आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार रद्द किया जाता है। ब्लैक वारंट वो कानूनी प्रक्रिया होती है जहां पर सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके बाद फांसी को अंतिम रूप दे दिया जाता है। 6 जनवरी 1979 को भाई केहर सिंह और सतवंत सिंह को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। तो ये थी कहानी भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, भाई केहर सिंह और भाई बलवीर सिंह की, जिन्होंने सिखों का बदला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया इंदिरा गांधी को मारकर। तो आपने कमेंट कर जरूर से बताना है कि आपको ये कहानी कैसे लगी और आगे चलकर आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आपने वो भी कमेंट कर जरूर से बताना है। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।